आवाज आ रही है बेटा? यस। ओके, तो क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर? जस्ट गो थ्रू योर लास्ट लेक्चर नोट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आस्क। गाइस, व्हाट वाज द लास्ट पार्ट, लास्ट लेक्चर? डीएल कॉन्फिगरेशन नोमेनक्लेचर। ओके ओके, चलो गाइस अभी लिखिएगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत सिंपल तरीके से हम लोग लर्न करेंगे चीजों को। एक्चुअली अगर आप स्टार्टिंग का पार्ट देखोगे ना, तो अभी तो मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, बट स्टार्टिंग के पार्ट में बिना फॉर्मूला किए आपने ऑलरेडी किया हुआ है वो सब, ठीक है? जैसे अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने, जैसे मैं अगर लिखकर दिखाऊं एग्जांपल, लाइक एच ओ ओ सी सी एच ओ एच सी एच ओ, ये ले लेते हैं। कितने काइरल कार्बन एटम्स है बेटा? एक है ना, एक ही काइरल कार्बन है। अब इसमें अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो फिशर प्रेडिक्शंस जितने पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने COH लगाया, यहां पर CHO लगाया, यहां पर H लिखा, यहां पर OH लिखा, वर्टिकल लाइन कार्बन चेन ले ली हमने। अब वो चेंज नहीं करना है अपने को, है ना? तो अभी पॉसिबिलिटी क्या बनी कि आप OH को लेफ्ट कर दो, H को राइट कर दो, और क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल है? आंसर है नो। सो ये दोनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल है। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, योर आंसर विल बी टू। एंड कोई पूछेगा हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव, योर आंसर विल बी टू। हाउ मेनी ऑप्टिकली इनएक्टिव, योर आंसर विल बी जीरो। क्या बातें समझ में आई बेटा? Yes, sir. तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं उसके पहले, एकदम सिंपल सिंपल से तरीके से कैसे किया जा सकता है वो आप पहले देख लो। फॉर्मूलाज आप भूल भी सकते हो, ये चीजें कभी नहीं भूलोगे। फिर एक एग्जांपल, जैसे मैं ये ले लेता हूं, इसको देखो बेटा, इसमें कितने काइरल कार्बन एटम्स हैं? टू काइरल कार्बन एटम्स हैं। टू काइरल कार्बन एटम्स के बेसिस पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकलेंगी? लेट्स सी। कार्बन चेन तो आपने यहां डाल दी, ठीक है? अच्छा, कई ऐसे केसेस होंगे जहां कार्बन चेन, मान लीजिए आप वर्टिकल नहीं डाल पा रहे हो, तो फिक्स कर देना कार्बन चेन, फिक्स करके उसके बाद आप उसमें देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। सो यहां पर मैंने H लिख दिया, यहां पर OH, यहां पर OH लिख दिया, यहां पर H, ठीक। अब ये जो है, अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो ऐसा नजर आएगा। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होता है तो आप मानकर चलना दोनों एग्जिस्ट करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसको उठाकर रखकर देखो, तो हमने ये केस तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो टार्टरिक एसिड है ना, याद आना चाहिए। अच्छा, घुमा करके भी सुपर इम्पोज करा सकते हैं। तो अगर 180 घुमाओगे तो OH यहां चला जाएगा, यहां नहीं आएगा, तो आप देखोगे फिर से वही चीज मिल जाएगी। तो दीज आर एक्चुअली नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है? और मिरर इमेजेस भी है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो वो लेवो हो जाएगा। तो ये दो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। और क्या पॉसिबिलिटी बनती थी? OH सेम साइड कर दिया मेजो। अब बिना कुछ सोचे हम इसका मिरर इमेज भी बना देते हैं, क्योंकि एक शर्त है केवल कि वो सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, सुपर इम्पोज करेगा तो एलिमिनेट कर देंगे उस ऑप्शन को। तो ये वाले केस में क्या हुआ, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, बट अगर घुमा करके आप सुपर इम्पोज कराओगे तो हो जाएगा।
और वैसे भी अपने को पता चल रहा है कि इसमें क्या चीज है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री राइट। तो ये क्या कंपाउंड हो गया, मेजो, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये हमारे लिए कहलाएगा आइडेंटिकल मेजो। क्या बोलेंगे बेटा, आइडेंटिकल मेजो। तो वी विल एलिमिनेट दिस। तो हमारे पास टोटल कितना आया बेटा यहां पर, थ्री। तो अगर तुमसे कोई पूछता है यहां पर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, देन योर आंसर विल बी थ्री। अगर बोलता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, योर आंसर विल बी टू। अगर पूछता है इनएक्टिव, दैट मीन्स मेजो कंपाउंड, योर आंसर विल बी वन। तो आपको फॉर्मूलास बताऊंगा मैं, बट उससे पहले ही आपको चीजें निकालनी आती हैं। एक ये केस है, आप सोचो अगर इसमें हल्का सा चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज कर दिया जाए, एच ओ ओ सी सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी ओ ओ एच। अभी भी दो काइरल कार्बन है और वो जो सी ओ एच है उसमें मैं चेंज करता हूं और इसको कर देता हूं सी एच ओ। क्या कर दिया बेटा, सी एच ओ। अब इसमें जैसे ही तुमने ये सी एच ओ कर दिया, तो वो जो पहले शुरुआत में आप इधर बना रहे थे ओ एच 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 लाइक दिस ओ एच ओ एच ओ एच 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 लाइक दिस, सी ओ एच यहां रख दिया, सी एच ओ यहां रख दिया, इसका मिरर इमेज तो पहले भी सुपर इंपोज नहीं कर रहा था। बट नाउ ये जो आप जिसको पहले कभी मेजो बोलते थे, क्या ये अब मेजो बोल पाएंगे, ध्यान से देखो, और क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हें यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी बेटा। देखो ना, वो ऊपर सीओएच, नीचे क्या हो गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। इसका मतलब है कि इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखो इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर दिया हमने, एंड ये चारों के चारों क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में तुमसे पूछेगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो योर आंसर विल बी हाउ मच, फोर, एंड एक्टिव फोर, मेजो जीरो जीरो। दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो हाउ टू गेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब मैं आपको फॉर्मूलास बताऊंगा, बट उससे पहले आप बेटा ये सारे केसेस, या मैं आपको पहले फॉर्मूलास बता दूं बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको आती हैं। तो फॉर्मूलास में लिखिएगा बेटा, सबसे पहला केस, तीन केसेस में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। केस वन में लिखिएगा, इफ मॉलिक्यूल इज स्ट्रक्चरली अनसिमेट्रिकल, इफ मॉलिक्यूल इज स्ट्रक्चरली, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी बोलते हैं, इफ मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। देखो एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं, अभी अभी हमने लिखा हुआ है एच ओ ओ सी सी एच ओ एच, फिर से सी एच ओ एच और सी एच ओ, याद है थोड़ी देर पहले अभी यही किया हमने, दो काइरल कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक्चरली अनसिमेट्रिकल। कैसे पता करते हैं, बीच से कट करेंगे, लेफ्ट के पार्ट को राइट के पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, अगर एक जैसा नजर आया तो दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल, डिफरेंट दिखाई दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। पॉइंट समझ में आया, yes, sir. तो अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा यहां पर,
नंबर ऑफ डीएल फॉर्म्स. डीएल फॉर्म्स का मतलब हो जाएगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, डेक्स्ट्रो, लेवो, ये सारे. तो इसका फॉर्मूला है 2 to the power n. अब यहां पर n क्या है? n है आपका काइरल सेंटर्ड. काइरल सेंटर्स, ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स. अब यहीं पर अगर लिखना हो नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स, बहुत आसान है, 0. टोटल कितना हो गया? फॉर्मूला स्टाइल है तो इसलिए सब कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, 2 to the power n. अब इसी में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स या इनेंशियोमेरिक पेयर्स, तो आप हर डेक्स्ट्रो का अपना लेबो होगा, यानी दो दो करके उसको आप हटा दो, जितने भी ये 2 to the power n है, तो 2 2 2 2 करके करेंगे, यानी आपको हाफ कर देना पड़ेगा इनका. तो क्या आया नंबर? इसको कॉपी कर लो बेटा, और इसको मैच कराएंगे किसके साथ बेटा? अभी थोड़ी देर पहले ये किया हमने. आप इसमें बताइए कितने काइरल कार्बन एटम्स थे? 2. और ये अनसिमेट्रिकल वाला केस आता है. तो यहां पर अगर तुम्हें डीएल वाले फॉर्म्स लिखने होते तो कितना हो जाता? 2 to the power n 2, दैट मींस 4, विच इज मैचिंग. एक्चुअली मेसोफॉर्म 0, सारा मैच कर रहा है. और ये एक इनेंशियोमेरिक पेयर है, एक ये इनेंशियोमेरिक पेयर है, तो टोटल इनेंशियोमेरिक पेयर्स कितने आ गए? 4/2, 2. तो ये पूरा मैच कर रहा है आपसे. आप ये एक केस हो गया. मैं सारे आपको नहीं, पहले आप कॉपी कर लो, नहीं तो ज्यादा कुछ हो जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे. यहां से लिखना शुरू करिए बेटा, कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो बेटा. अभी इन सब में वापस लौटेंगे फॉर्मूला लगाने के लिए. इसको भी कॉपी कर लो. इसको भी कॉपी कर लीजिए बेटा. डन गाइस. तो केस 1 हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें मॉलिक्यूल वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल. नाउ विल टॉक अबाउट केस वेयर मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल. मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली और यू राइट स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल. मॉलिक्यूल इज स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल. और इसमें एक और खास बात है, केस 2 में एक्चुअली 2 केसेस विद इन केस 2 हैं, तो आई विल गिव यू, या केस 3 करके भी लिख सकते हैं टोटल में. तो इसमें लिखिए सबसे पहले कि n जो है, दैट इज नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ये इवन नंबर हो. ये क्या हो बेटा? इवन. 2 काइरल सेंटर्स हो, 4 काइरल सेंटर्स हो, तो इसमें जो फॉर्मूलाज बनेंगे, नंबर ऑफ सबसे पहले लिखिएगा बेटा डीएल फॉर्म्स, दैट विल बी 2 to the power n-1. और इसी में नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड्स, बिकॉज अब कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो मेजो कंपाउंड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मेजोफॉर्म्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड उसका फॉर्मूला है 2 to the power n-2/2. n इवन होना चाहिए. और अगर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में दोनों आएंगे, एक्टिव भी आएंगे और इनएक्टिव मेजो भी आएंगे. ये हो गया. ये जो पर्टिकुलर है ना बेटा, यही है एक्टिव. हा,
और इसमें भी अगर तुम्हें रेसमिक मिक्सचर्स या फिर एंशुमेरिक पेयर्स पूछ लेगा तो इसको फिर से हाफ कर देंगे, ठीक है? कॉपी कर लो बेटा, डन बेटा। चलो ये केस हमने किया है क्या थोड़ी देर पहले बेटा? वी हैव टेकन द एग्जांपल राइट? यस सर। कहां पर है ये देखो, दिख रहा है? आप इसमें कोशिश करो फॉर्मूला लगाने की बेटा, एन की वैल्यू कितनी रख दो, 3 या 2? टू। तो एन की वैल्यू 2 जब रखेंगे फॉर्मूला डीएल फॉर्म्स वाला, तो क्या है वो 2 to the power 3 - 1 कितना आया बेटा? ये यही फॉर्मूला है? नो सर, 2 - 1 2 to the power 2 - 1 कितना आएगा? 2, जो कि यहां दिख रहा है बेटा, राइट? मेजो फॉर्म का मेजो n-2/2 तो 3 - 2/2 या 2 - 2/2 2 - 2/2 0 नहीं बेटा, 2 to the power 0 तो ये आ गया आपका देखो मेजो, ठीक है? तो बेटा वहीं पर जाकर हाईलाइट कर लो, ऑल्दो अकोला म्यूट कर लो, ऑल्दो यू कैन गेट दीज आंसर्स जस्ट बाय राइटिंग फिशर प्रोजेक्शंस, बट यूज फॉर्मूलाज आल्सो, ठीक है? वहीं पर आप यूज का, आपको एक से ज्यादा मेथड्स पता है। हो गया बेटा, कॉपी कर लिया इसको? यस यस सर। एंड नाउ द लास्ट एंड द वेरी स्पेशल केस, जिसको आप केस 3 या फिर केस 2 का बी पार्ट, उसको ए कर लिया, इसको बी कर लिया, ये भी लिख सकते हैं। क्या है? मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल एंड एन जो है वो बेटा इसमें आएगा ऑड। एन क्या है? काइरल सेंटर्स, ठीक है? पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखकर दिखाता हूं। नंबर ऑफ डीएल फॉर्म्स इसमें है 2 to the power n minus 1 - 2 to the power n minus 1/2। नंबर ऑफ मेजो फॉर्म्स इसमें है 2 to the power n minus 1/2। तो बताइए बेटा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 to the power n minus 1। तो इसको याद भी इसी स्टाइल से रखना, कैसे? पिछली बार जब यहां इवन था तो जो डीएल फॉर्म थे वो इस टाइम पर क्या बन गए? टोटल। और ये पिछली बार यहां 2 सब्ट्रैक्ट किया था, वो इवन नंबर के लिए था, ये क्या है बेटा? ऑड काइरल सेंटर्स, 1 सब्ट्रैक्ट किया। केवल आप मेजो फॉर्म्स याद रखोगे तो आपको बाकी चीजें भी याद हो जाएंगी। कॉपी कर लो पहले, देन आई विल टेक एन एग्जांपल। गाइस एग्जांपल देखो बेटा, HOOCCHOH CHOH CHOH COOH, कितने काइरल कार्बन एटम्स दिख रहे हैं यहां पर? 3। पक्का? ध्यान से देखो बेटा, काइरल कार्बन एटम्स का डेफिनेशन क्या है जरा माइंड में लेकर आओ बेटा। काइरल कार्बन एटम का डेफिनेशन सोचो और फिर आप इसमें देखिए बेटा क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितने काइरल कार्बन एटम्स पॉसिबल हैं। सबने देख लिया? चलो
कोई बोल रहा है टू, कोई बोल रहा है थ्री। अकोला म्यूट कर लो बेटा। चल सो कोई बोल रहा है टू, कोई बोल रहा है थ्री। तो एक्चुअली गलती आपकी नहीं है। अगर इसमें आप देखोगे तो ये जो कार्बन एटम है इसमें क्या क्या अटैच्ड है, एच है, ओ एच है, सी ओ एच एंड दिस हो बल्कि ग्रुप। इसको देखा, एच है, ओ एच है, सी ओ एच और ये बड़ा सा ग्रुप, यानी कि ये दो तो डेफिनेटली आपने बोल दिए काइरल, अलग अलग सब दिख रहा है। लेकिन जब ये बीच वाले कार्बन को देखा तो रियलाइज क्या किया हमने कि एक एच है, एक ओ एच है। जस्ट फोकस ऑन दिस बल्कि ग्रुप एंड दिस बल्कि ग्रुप, आर दे डिफरेंट? नो। तो अपना माइंड में क्या आएगा कि काइरल कार्बन एटम्स कितने हो गए, टू। लेकिन अभी अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसको जरा एक बार ध्यान से सोचो, देखो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या कभी ऐसा कोई केस बन सकता है जिसमें मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल निकले और ऑड नंबर ऑफ काइरल कार्बन, क्या कोई ऐसा केस बन पाएगा? नो। लेकिन फॉर्मूला लिखा है यानी कुछ तो गड़बड़ है। आई होप इतना हम लोग तो सोच पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ या तो अपने समझने में गड़बड़ी है या फॉर्मूला देने में। तो ये तो क्लियर है, अभी फॉर्मूला दिया गया है, एन की वैल्यू वहां इवन दिखाई गई है, सॉरी ऑड दिखाई गई, तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वहां पर, काइरल की जो डेफिनेशन है वो तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। काइरल कार्बन का मतलब है कि फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। सो वेयर इज द मिस्टेक, कहां गड़बड़ी हो रही है? तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या है, हमको मान लीजिए फॉर्मूलाज नहीं आते और सीधे सीधे ये दे दिया गया आपके सामने कि ये गेट ऑल फिशर प्रोजेक्शंस, गेट ऑल ऑप्टिकलाइसोमर्स। तो क्या करेंगे हम लोग, फिशर प्रोजेक्शन ही ड्रॉ करेंगे ना। तो एक बार कोशिश करते हैं, देखो तो हमने क्या किए, ये ऐसे ये मान लिया कि कुछ तो बीच का होगा जिसमें एच ओ एच, तो एक लाइन उसको दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो इसमें मैंने क्या किया, इधर ओ एच रख दिया, इधर एच रख दिया और इधर ओ एच रख दिया, कहीं पर भी कुछ भी रख दो, अभी तो पहला ही केस बना रहे हैं। इसको देख के क्या लगता है, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है? नो सर। नहीं, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी बनाएंगे। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है एचओएच आप कहां पर रखते हो। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा एक केस ये भी तो बना सकते हैं, क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नो सर। ध्यान से देखो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है कि मतलब मैं अगर इसको ऐसा कट कर दूं बीच से, बीच कट करने का मतलब होता है कि तुम एटम से भी कट कर सकते हो। जब मैंने ऐसे कट किया तो आधा OH ऊपर, आधा OH नीचे, आधा H ऊपर, आधा H नीचे, तो ये HOH तो प्लेन का पार्ट हो गया, उसको तो हटा दो। ऊपर नीचे की चीजें देख लो, क्या सिमेट्रिकल दिख रही है? हाँ, इधर का पार्ट, इधर का पार्ट, तो देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? मेसोफॉर्म। और क्या मेसोफॉर्म का मिरर इमेज लिया जाता है? तो अगर तुमको ये दे दिया गया तो तुम बोलोगे कि ये और पहले वाला सेम ही है तो हम ये वाला नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैंने ये दिया होता बेटा, Thank you.
इसको देखो बेटा, क्या इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं दिख रहा है? यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी मेज हो गया। लेकिन क्या इसका मिरर इमेज बना सकते हैं? नहीं भाई, मिरर इमेज किसी भी मेज़ों का काम नहीं लेते। तो अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ भी करो दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज कंसीडर्ड एज सेम। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे आपने बना दिया, इसको बस पलट दिया। तो पहली चीज है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, मेज़ो है, तो ये डिफरेंट माना जाएगा। आई होप आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं। इसके अलावा कोई और दूसरी फॉर्म पॉसिबल नहीं है। कितनी निकली? चार, फोर फॉर्म्स निकले, ठीक है, फोर फॉर्म्स निकले। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट जानते हैं क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आरएस कॉन्फ़िगरेशंस निकाल कर दिखाओ, आरएस कॉन्फ़िगरेशंस, व्हाट विल यू डू? लास्ट लेक्चर लर्न किया था बेटा, इसको देखो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है मेरे को, तो मैं प्रायोरिटीज दूंगा, असाइन करूंगा, इधर वन हो जाएगा, इधर टू हो जाएगा, इधर थ्री हो जाएगा, इधर फोर हो जाएगा। एक्सचेंज ऑपरेशन लगाया तो फोर हो गया, थ्री हो गया, टू हो गया, वन हो गया, क्या निकला बेटा? आर। इसी तरह नीचे वाले को निकालोगे बेटा, वो भी आर निकलेगा, वो आर निकलेगा, हाँ वो भी आर निकलेगा, कोशिश करके देख लो, ठीक है। इधर निकालोगे तो ये एस एस निकलेगा, कोशिश करके देख लो। इसमें निकालोगे तो ये आर एस निकलेगा, कोशिश करके देख लो। ये एस आर नहीं, ये भी आर एस निकलेगा। गाइस अब आप ध्यान से मेरी बातें सुनिए, अकोला म्यूट कर लो बेटा, आप लोग ध्यान से मेरी बातें सुनिए बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये जो बीच का कार्बन है इस पे सारे बच्चे फोकस रहे, जस्ट फोकस द सेंट्रल कार्बन, उसमें कुछ खास चीज है। क्या खास बात है वो ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको काइरल मान लो, मान लो काइरल, क्या कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो? हर एक काइरल कार्बन का आप आर एस निकाल पाओगे, ये तो पक्का है, तभी तो उसको पढ़ाया गया है। हर एक काइरल कार्बन का आरएस निकाल सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन दिया होना चाहिए। सो इसका क्या तुम आरएस निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे कि चलते हैं प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने में ओएच को वन दे दिया, एच को फोर्थ दे दिया, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, ऊपर का कार्बन भी ओएच एचसीओएच से कनेक्टेड है, नीचे का कार्बन भी एच ओएचसीओएच से कनेक्टेड है। प्रायोरिटी कैसे दें? प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। तो बोला गया कि देखो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, दो ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, इसीलिए हम यहां पर कोई प्रायोरिटी असाइन नहीं कर पा रहे। बट अगर यही चीज मैं तुमसे यहां पर पूछूं, यहां पर देखो बेटा, यहां पर OH को वन, एच को फोर्थ प्रायोरिटी, ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज सेम, बट वेयर इज द डिफरेंस? कॉन्फ़िगरेशन। तो जो रूल्स में लिखा गया वो ये लिखा गया कि जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आए तो आर को प्रायोरिटी देना ओवर एस। तो बताइए अगर मुझे इस कार्बन को और इस कार्बन को बीच के कार्बन के लिए प्रायोरिटी देनी है तो बताइए किसको प्रायोरिटी दे देंगे? आर को। यानी कि बीच वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अब निकाल सकते हैं हम लोग, एक्सचेंज ऑपरेशन लगा दो, ये निकला आर, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर भी दिया हो तो इट्स ओके, बस मेरे को दो तीन मिनट दे दो तो सब समझ में आ जाएगा, पेशेंस बनाए रखना। ये आर हो गया, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे पा रहे, यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे पा रहे, ये सब क्या उल्टा सीधा हो रहा है? ध्यान से सुनो अब मेरी बातें। ये जो बीच का कार्बन है, दिस कार्बन
समटाइम्स द सेम कार्बन इज एकाइरल, एकाइरल कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, समटाइम्स द सेम कार्बन इज काइरल, समटाइम्स द सेम कार्बन इज एकाइरल, यहां पर काइरल है और यहां पर भी इसका कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो एस निकलेगा, सेम कार्बन समटाइम्स काइरल समटाइम्स एकाइरल, इसको कहते हैं सुडो काइरल कार्बन, क्या बोलते हैं बेटा, सुडो काइरल कार्बन। तो आप इसको लिखिएगा और एक इसको 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 जब कॉपी कर रहे होंगे तो कहीं पर आप सब हेडिंग टाइप में डाल दीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सुडो काइरल कार्बन एटम, लिख लो बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुडो काइरल कार्बन एटम। तो ये जो बीच का कार्बन है इसको हम क्या नाम देते हैं, सुडो काइरल कार्बन, यानी कि समटाइम्स द सेम कार्बन विल बी काइरल समटाइम्स द सेम कार्बन विल बी एकाइरल। ये कब काइरल कार्बन बनेगा, जब इधर का कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो जाएगा, देन ऑल फोर ग्रुप्स विल बिकम डिफरेंट, इन दैट सिचुएशन द सेम कार्बन विल बी काइरल। देखो बहुत इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में एडवांस में आने के यही वाला केस चांसेस है, तुम खुद भी रियलाइज कर रहे होगे इसकी इंपॉर्टेंस को कि इसमें ये मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ओ ए मींस ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये जो बीच का कार्बन है ये एकाइरल कार्बन है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, स्टेटमेंट ऐसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल इज काइरल बट द सेंट्रल कार्बन इज एकाइरल। इसको देखो बेटा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि मेसोफॉर्म है, लेकिन ये जो सेंट्रल कार्बन है ये क्या निकला, काइरल। कंफ्यूजन वाले वर्ड्स हैं बेटा, ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल इज एकाइरल बट द सेंट्रल कार्बन इज काइरल। दोबारा सुनो, यहां पर मॉलिक्यूल इज काइरल बट द सेंट्रल कार्बन इज एकाइरल, यहां पर मॉलिक्यूल इज एकाइरल बट द सेंट्रल कार्बन इज काइरल। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सुडो काइरल कार्बन, कॉपी कर लो बेटा, डन। मैंने बोला था बेटा जब कॉन्फ़िगरेशन ऊपर और नीचे के कार्बन के, क्योंकि हमें बीच वाले कार्बन के लिए चार ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, डिफरेंट, तो इधर आपने वन दे दिया, इधर फोर दे दिया, ये जो ऊपर और नीचे के कार्बन है इनके ग्रुप्स भी सेम थे पहले और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम था, यहाँ पर ग्रुप्स तो सेम है स्ट्रक्चर वाइज लेकिन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स के अलग है, तो कॉन्फ़िगरेशन एक का आर था और एक का एस है, तो आर वाले को हमने प्रायोरिटी दे दी इस तरह से, 2-3 तभी लिख पाए ना। yes. हो गया, इस पे एक नोट लिख लो बेटा, मैं अगर इसमें 1 कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको इसको 3 कर दूं, इसको 4 कर दूं, सो एक नोट लिखिएगा बेटा, आई होप आपने अपनी तरफ से सब कुछ लिखा होगा, बट स्टिल यू राइट। इन बोथ द इनेंशियोमर्स 1 and 2 In both the enantiomers, one and two, central carbon that is C3 is achiral. Central carbon that is C3 is achiral. ऐसे numbering की जाती बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 carbon chain ऐसे चलती है ना, एकाइरल। ऑल्दो
both the forms are chiral, although both the forms are chiral. So C3 सामने देखो ना, लिखा तो है C3. Okay, sir. In both the enantiomers 1 and 2, the central carbon C3 is a chiral. Although both the forms are chiral. Full stop. On the other hand, in the two mesoforms 3 and 4, the central carbon C3 is chiral. Central carbon C3 is chiral. Even though both the molecules are achiral, meso का मतलब ही achiral होता है. Even though both the molecules are achiral, since same carbon sometimes is chiral, sometimes achiral. Since the same carbon is sometimes chiral, sometimes achiral. Due to this reason, it is called pseudo chiral carbon. This carbon is called pseudo chiral carbon. Koi confusion hai beta? फिर आगे चाहे तो लिख सकते हैं, फॉर प्रायोरिटी पर्पस आर इज गिवन प्रेफरेंस ओवर एस, आर इज गिवन प्रेफरेंस ओवर एस. और इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका जो कार्बन होगा जिसके लिए आप कॉन्फिगरेशन निकाल रहे हैं वो सुडो काइरल कार्बन हो. ठीक है, तो दिस वॉज अ स्पेशल केस. एक बार बेटा सारे केसेस को गो थ्रू ऑल द केसेस बेटा. एनी डाउट्स प्लीज आस्क. जो डीएल फॉर्म्स है उसमें टू से डिवाइड कर दो बेटा. सबने बेटा गो थ्रू कर लिया? कोई डाउट है? चलो, सो नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट. अब जैसे जैसे बेटा हम आगे मूव करेंगे उतना इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाएगी और इनके क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में मिलेंगे. Another heading you write, compounds showing both geometrical and optical isomerism. अकोला म्यूट कर लो बेटा. Compounds showing both geometrical and optical isomerisms. Compounds showing both geometrical and optical isomerisms.
सो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे, बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। तो उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये केस लेता हूं, एक ध्यान से देखना बेटा, इसके साथ एक एच जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक ओ एच जुड़ा हुआ है, यहां पर भी एक एच जोड़ दिया और यहां एक ओ एच जोड़ दिया। सबसे पहली चीज, ये रिंग है और रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इफ यू रिकॉल। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगी होगी अबाउट रिंग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग ने डबल बॉन्ड के अबाउट पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने रिंग के अबाउट पढ़ा। अब एक केस मान लीजिए हमने ये ले लिया। अच्छा, इसमें आप काइरल कार्बन भी जज कर सकते हो। आप देखो काइरल कार्बन के लिए क्या करें, जैसे ये कार्बन है तो दिस इज कनेक्टेड टू वन एच वन ओ एच, इस साइड जाओ सर्कल में तो आपको सी एच टू मिलेगा, इस साइड जाओ क्या सी एच टू मिल रहा है उतनी डिस्टेंस पे? नहीं। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया, काइरल। सेम वे में जज कर पाओगे ये भी काइरल है, यानी कि इसके पास कितने काइरल सेंटर्स हो गए। क्या समझ में आई बातें बेटा? ज्योमेट्रिक, हाँ। तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है और कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। अब आप इसको देखो, इसको देखो, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें दो साइट्स दी हुई हैं। ये काइरल के सेंटर है, ये हमारी एक साइट हो गई, साइट फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये किस चीज की साइट है बेटा, साइट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दोनों चीजें आ रही हैं, इसका मतलब कंपाउंड्स शोइंग बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये वाला केस भी फॉल करेगा। ठीक है, अब एक केस हम ये वाला ले लेते हैं बेटा, वही समझ लो, ट्राइंगल उठाया, यहां पर ओ एच लगा दिया, यहां पर एच लगा दिया, इस बार यहां पर हम क्या करते हैं, ओ एच लगाते हैं और इधर लगा देते हैं सी एच थ्री। उसका अपना रीजन है, अभी भी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। यहां पर भी रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और टू काइरल सेंटर्स, ये वाला और ये वाला। ये तीन एग्जांपल से हम लोग लगभग सारी चीजें कर लेंगे जो रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर केस में। क्लियर है? पहले इतना कॉपी कर लो बेटा, देन वन बाय वन विल डिस्कस ऑल दीज एग्जांपल्स। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। गाइस चलो यहां से शुरू करते हैं। देखो ये पहला वाला, जो दूसरा केस है उसको पहले हम पिक कर रहे हैं, ये वाला बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे बेटा। देखो आपको कॉम्बिनेशंस बना लेने हैं, ये एक साइट है और एक ये साइट है। अब हम लोग बात करेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल यही आपका टोटल स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशंस बनाइए, अगर ऑप्टिकल के लिए डेक्स्ट्रोस लेंगे तो इधर आप जेड ले सकते हो या सिस ले सकते हो, ट्रांस ले सकते हो। व्हाट इज अनदर कॉम्बिनेशन, हो सकता है इधर डेक्स्ट्रो उधर ईओ। क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा जो कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं मैं? यस सर। इधर देखो बेटा, इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, लेवो ले लिया उधर जेड ले लिया, इधर लेवो ले लिया उधर ई ले लिया। बताइए इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नो सर। नो। तो यहां पर अगर आप टोटल स्टीरियो आइसोमर्स लिखेंगे
टोटल स्टीरियोआइसोमर्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हो, 2 to the power n वाला, 2 to the power 2 आया, दैट मीन्स 4, वेयर n विल बी व्हाट, टोटल जो स्टीरियोजेनिक साइट्स हो जाएंगी, स्टीरियोजेनिक साइट्स जिसमें ज्योमेट्रिकल वाली भी साइट हो जाएगी और ऑप्टिकल वाली भी साइट हो जाएगी। कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लिया बेटा? यस नो सर। डन। अब एक केस जो हमने ये लिया था बेटा उसको वापस ले लेते हैं, अब थोड़ा और डिजाइनर वे में बनाते हैं बेटा, डिजाइन करके इसको यहां OH लिख देता हूं मैं, यहां H, यहां OH लिख देता हूं, यहां H। ये देखकर बताइए बेटा सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है? सिस फॉर्म है ना। और इसको ड्रॉ कर देते हैं, इसको देखकर आप आराम से ट्रांस बोल पाओगे, राइट? अब इसमें क्या लगता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दिखाई दे रही है किसी केस में? यस सर। पहले वाले केस में देखो बेटा, दिख रहा है? यस सर। यानी ये फॉर्म कौन सी फॉर्म हो गई? मेजो फॉर्म हो गई। मेजो फॉर्म का मतलब ऑप्टिकली यहां पर इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो गई। और ये बिकॉज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है तो इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर पाएंगे। मिरर इमेज कैसा दिखाई देगा? ये एच यहां पर है, एच यहां पर दिखा दो, ये ओ एच यहां दिखाई देगा, एच ओ एच, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि डीएल फॉर्म। तो अगर तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, तो आप लिखेंगे 2, और टोटल स्टीरियोआइसोमर्स बोलेगा तो क्या लिखेंगे? यस। इसमें बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, बोले ऐसा ऑप्शन लिख कर देगा, ऐसा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, वन ऑप्शन इज गिवन जिसमें लिखा है सिस फॉर्म इज मेजो फॉर्म, राइट, ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट देगा आप आराम से उसको टिक कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। कॉपी कर लो बेटा, हो गया बेटा? यस सर। चल अब इसमें जो एक केस हमने ये बना लिया था, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि वहां कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कोई बताएगा यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है और क्यों नहीं है? दिख रहा है? यस सर। ग्रुप ही बदल गया, राइट ना? यस सर। इसीलिए यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री का कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, फॉर्म्स इस बोल सकते हैं, दो वे सेम साइड है, इसको ट्रांस बोलेंगे। दैट मींस यहाँ सिस फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव है एंड ट्रांस फॉर्म इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। सी द डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिस फॉर्म इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज द एग्जांपल हियर, सिस फॉर्म इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, सो फॉर सिस फॉर्म आल्सो वी विल बी एबल टू राइट मिरर इमेज। यहाँ पर OH डाल दिया, यहाँ पर CH3 डाल दिया, यहाँ पर OH डाल दिया, यहाँ पर H डाल दिया, इधर भी मिरर इमेज,
यहां पर OH डाल दिया, CH3 डाल दिया, H डाल दिया, OH डाल दिया। सो ये चारों के चारों फॉर्म्स क्या हो गए बेटा? ऑल ऑप्टिकली एक्टिव। इसको कॉपी कर लो बेटा।